यमुनानगर के पौश इलाके मॉडल टाउन में देर रात एक फास्ट फूड की दुकान पर जोरदार धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि दुकान का बोर्ड, शटर और सामान कई फुट दूर जाकर गिरा और सारी दुकानें आसपास की तहस नहस हो गई। इतना ही नहीं, आसपास की बंद दुकानों के साथ साथ कई कई फुट दूर बंद दुकानों के शीशे भी टूट गए और दुकान के ऊपर भी दीवार हिल गई। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग सहम गए और घरों से बाहर निकल कर आए, जिसके बाद धमाके की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हालांकि अभी तक धमाकों के पीछे की वजह का नहीं पता चल पाया है। धमाका हुआ सर, बड़ी जोर की, एकदम नींद से उठे, एकदम देखा नीचे जाकर, देखा मैंने खिड़की पे, तो रेडी रूडी सब पलटी पड़ी थी। जब मैं नीचे उतर के आगे देखा तो सारा कुबाड़ा कुबड़ा यहाँ पे बाहर निकला पड़ा था। अब सर हमने तो एकदम धमाका होने के बाद नीचे आए ना, उसके बाद हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हुआ ये। अंदर गैस बनी, क्या हुआ, सिलेंडर नहीं फटा, सिलेंडर फटा नहीं कुछ ना, कोई फ्रिज मतलब उसका कंप्रेसर वगैरह फट जाता है, वो भी नहीं हुआ है ऐसा कुछ। ये मोहम्मद की है जी। मैं तो अभी आया हूँ जी, मेरे पास भाटिया जी का फ़ोन आया था, भाई दुकान पे ऐसे ऐसे करके बात हो गई, तो जाते मैंने शटर खोला है तो आपके सामने है जो भी है। धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के भीतर डर बैठ गया है, क्योंकि धमाके की वजह से पूरा इलाका हिल गया। दूर तक बिखरा सामान और आसपास की दुकानों के टूटे शीशे, हिली दीवार बयान कर रही हैं कि धमाका कितना तेज हुआ होगा। हालांकि गनीमत की बात यह है कि धमाका देर रात हुआ, जिस वक्त सड़कों पर कोई भी नहीं होता। अगर दिन या शाम के समय धमाका होता तो ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को ढूंढने में लगी है और अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।